आसाम के गवर्नर प्रोफेसर जगदीश मुखी जी और मिसिस मुखी जी भी पहुंच चुके हैं। तालियों के साथ उनका, जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत। और तालियां तब तक बजती रहनी चाहिए जब तक वो अपनी सीट पे ना बैठ जाए। बहुत बहुत स्वागत मुखी जी का, बहुत बहुत स्वागत। तालियों के साथ, तालियां नहीं बंद होनी चाहिए। हमारे बीच में अतुल मुखी जी भी आ चुके हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत। मैं रिक्वेस्ट करूंगा बीपी सिंह जी से, रमेश धवन जी से, ओम प्रकाश जी से, अमित जी से, उनको लेकर स्टेज पे आए। जब अपनी सीट पे आ जाए नेशनल एंथम के लिए, फर्स्ट ऑफ ऑल राष्ट्रीय गान, उसके बाद आगे की कार्रवाई। मुखी जी आपका बहुत बहुत के लिए प्लीज। कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए हमारा ये सौभाग्य है कि हमारे बीच में मुखी जी, जो कि अपना परिवार समझते हैं पूरे जनकपुरी को, और असम में होते हुए इससे पहले अंडोमानी को बात, इतने बड़े अच्छे हॉल में और इतनी बड़ी बिल्डिंग बना ली, उसके अगर हम किसी को कहा जाए कि ये जमीन किसी ने दिलाई है तो वो एक शख्स है, असम के हमारे राज्यपाल प्रोफेसर जगदीश मुखी। हम कितना ही इन्हें धन्यवाद दें पर हम इन्हें भूल नहीं सकते हैं कभी। कोई भी निवासी अगर पहुंच गया है, उसका वो काम किया, और आज वो अगर नहीं भी है तो उनका घर, उनका ऑफिस आज भी खुला है किसी भी काम के लिए। मैं शुरुआत करूंगा डॉक्टर रमेश धवन जी से, रिक्वेस्ट करूंगा रमेश धवन कि वो मुखी जी का स्वागत करें। ओम प्रकाश जी ने, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो बुके द्वारा
मैं मिसिस बीपी सिंह जी आई हुई है हमारे बीच में, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि वो आए और मिसिस भूपी का स्वागत करें, फूल माला द्वारा स्वागत करें। मैं मिसिस डॉक्टर रमेश धवन जी से रिक्वेस्ट करूंगा वो भी आए और मिसिस मुखी का स्वागत करें। मिसिस धवन, मैं रेखा चौहान जी से भी कहूंगा जो काउंसलर है, अभी अभी बनी है, एक साल हुआ है, बहुत मेहनत कर रही है अपने एरिया में, वो मिसिस मुखी का स्वागत करें। मैं अमरजीत सिंह जी से रिक्वेस्ट करूंगा, मैं बीना सबरवाल जी हमारे बीच में है, जनकपुरी विधानसभा में वार्ड नंबर 18 से काउंसलर है। मैं विनोद कुमार जैन जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो मुखी जी का स्वागत करें। संतोष कुमार देवड़ा जी आए हुए हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं मुखी जी का स्वागत करें। रिक्वेस्ट करूंगा सब सामने, मैं क्लब के ट्रेजरर, कैशियर, वित्त मंत्री जो है हमारे, उनका स्वागत। अजय शर्मा जी तुम्हारे क्लब के शक्ति है, उनसे रिक्वेस्ट है कि वो स्वागत। वो भी स्वागत करें। वह सामाजिक महासंघ के स्तंभ, जनकपुरी के स्तंभ पराशर जी हैं, भूषण लाल पराशर। मैं एम आर बदवा जी हमारे बीच में हैं, दुग्गल जी हैं, मैं अनिल सरीजा जी से रिक्वेस्ट करूंगा वो भी आए, जो हमारे मनप्रीत सिंह जी एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं, एग्जीक्यूटिव मेंबर विनय कुमार चौहान जी, कुमार मैनी जी, अरविंद रिमोत्रा जी, मुकेश पंबानी जी, हमारे क्लब के एग्जीक्यूटिव मेंबर बीटू मंदिर के प्रधान राकेश तनेजा जी, हमारे पार्ट से भारतीय जनता पार्टी के राजेंद्र पुरी जी, हमारे बीच में ये हमारे क्लब की कुछ राजीव कुमार जी, अमरजीत सिंह पावा जी, सुधीर कुमार जी, प्रमोद दीवान जी। मैं रिक्वेस्ट करूंगा एस एन सिंह जी से वो एक मेमेंटो दे के मुखी जी का स्वागत करें। हमारे बीच में संजीव बंसल भी आए हुए हैं, उनसे रिक्वेस्ट। हमारे क्लब के प्रेसिडेंट सरदार बीपी सिंह जी से रिक्वेस्ट कि वो हमारे बीच में काउंसलर
सरदार अमरजीत सिंह जी आए हुए हैं, उनका स्वागत करें। मैं चेयरमैन साहब डॉक्टर धवन जी से करूंगा रिक्वेस्ट कि वो डॉक्टर डॉक्टर साहब आप स्वागत करें मीना शर्मा जी का। स्वागत करें इधर देखना है। सतीश बसीन जी बिना सफरवाल जी का स्वागत करें। एक मिनट सर थोड़ा पीछे स्वागत का सिलसिला काफी लंबा चला और ये जरूरी भी था। बना रहे हैं रेपी जॉली जी, माफी चाहूंगा रेपी दर्शक और कर्नल चौधरी साहब हमारे क्लब की देखरेख सीनियर मैनेजर रहे। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। हाँ जी सामने देखने जरा। डॉक्टर रमेश धवन जी से रिक्वेस्ट। रमेश धवन जी ऑनरेबल गवर्नर ऑफ आसाम प्रोफेसर जगदीप मुखी जी, मैडम मुखी जी, हमारे क्लब के अध्यक्ष श्री बीपी सिंह जी, जनरल सेक्रेटरी साहब प्रकाश जी एंड डॉक्टर फाइनेंस मिनिस्टर अमित गांधी एंड ऑल द डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट सिटिंग इन द फ्रंट, ऑल द ऑफिसर्स एंड मैनेजमेंट मेंबर एंड ऑल आवर मेंबर्स ऑफ जनरल क्लब, आई फील ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द मेंबर्स ऑफ जनरल क्लब वैसे तो मुफ्ती साहब का जनकपुरी क्लब से और जनकपुरी के लोगों से मुफ्ती साहब का नाम और मुफ्ती साहब कि वो एक फैमिली की तरह लगते हैं। उनके पास जो भी कोई गया है उनका ऐसा फैमिली सबसे इतना अच्छा इंट्रोडक्शन था उनका और ऑलवेज ही वॉज हेल्पिंग फैमिली बड़ी। As far as I know in 1976 and I am seeing him elevating from one step to the other, from MCD representative, then as MLA, then he was given a very important portfolio as finance minister of state, and now we have seen him to be risen to such a high among the top government officials of government of India. यहाँ का मुफ्ती साहब का यहाँ का जनकपुरी क्लब से एसोसिएशन है राइट फ्रॉम डे वन सिंस द इंसेप्शन ऑफ आवर क्लब ही इज एसोसिएटेड विद अस इन स्पाइट ऑफ सो मेनी हर्डल्स सो मेनी ऑब्स्टेकल्स राइट फ्रॉम अलॉटमेंट ऑफ लैंड then bhumi pujan and then construction of building, he was very strongly and firmly stood with us to get all the hurdles removed and ultimately we got the land allotted. Aaj jis building mein hum yahan par hain, agar mukhi sahab ka saath na hota to yeh zameen hame allot nahi ho sakti thi. With this, on behalf of all the honorable members of club, I again welcome Professor Mukti here and Jai. बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। ठीक कहा आपने,
हम कभी भी मुखी साहब को भूल नहीं सकते हैं। वो आज भी फोन करें या हम फोन करें तो वैसे ही रिस्पेक्ट मिलती है हमको जैसे वो पहले देते थे। वो आज हमें बच्चा, अपना भाई, अपना बाप, अपना परिवार मानकर वो काम करते हैं। चाहे वो कहीं भी रहे, हमारा ख्याल रखते हैं। मैं इसी के साथ हमारे प्रधान, हमारे प्रेसिडेंट सरदार बीपी सिंह जी से रिक्वेस्ट कि वो दो शब्द आगे बोले बीपी सिंह जी। प्रोफेसर जगदीश मुखी जी, मिसेस प्रेम मुखी, डॉक्टर साहब, ओम प्रकाश जी, सभी आए मेहमानों, आप सबका मैं क्लब के मैनेजिंग कमेटी की ओर से, क्लब के सभी मेम्बरान की ओर से बाबू जी आया हूँ कहना। मैं थोड़े का कुछ पर्सनल शेयरिंग भी कराना। जब डॉक्टर साहब आए थे तो मैं पहले उन्होंने रिसीव करन गया थी। डॉक्टर साहब ने ओम प्रकाश जी बुला के गल कही। ओम प्रकाश जी डॉक्टर साहब ने कहा, ओम जी तुम शायद पता ना हो, मिसिज प्रेम मुखी नो बीपी सिंह जी मेरे तो पहले ले जान दे। दिस इज व्हाट ही रिमाइंडेड जस्ट ऑन द स्टेयर्स। Let me hear you. First time I met Dr. Mukhi was somewhere about 51 years back. I repeat, तकरीबन 51 साल पहले मैं डॉक्टर साहब नाल मुलाकात मेरी हुई थी हरियाणा के एक टाउन के विच। असीं दोनों ने इक्को कॉलेज पढ़ाया सी। उस स्टेज तो लैके मैं उन्हां नूं अज तक दिखदा आ रहा इस तरह अपनी लाइफ दे विच। जे मोदी साहब एग्जाम्पल ने इत्थों उठ के उठे पहुंचा तो मेरा ख्याल है डॉक्टर मुखी साहब एक एग्जाम्पल ने सोना ने सोना उसका पेंट होता सी। अजकल के सोना गुलामों के कारण पता नहीं मेरे ख्याल वन ऑफ द टॉप सिटी हो गया। सोना ने एक छोटे जे शहर तो फिर राजस्थान अजमेर फिर दिल्ली श्री राम कॉलेज फिर भगत सिंह कॉलेज कितों कितों होके फिर दिल्ली सरकार के सारे पता है मैं दसने की लड़ नहीं है जी। 1980 तो इन्होंने अपनी स्ट्रगल स्टार्ट की थी इलेक्शन पहली बार सो उस तो मैं इन्होंने लिखता आ रहा अपनी मेहनत के इन्होंने हर स्ट्रगल को पार करके अच इस स्टेज पर पहुंचे ने। दिल्ली के फाइनेंस मिनिस्टर रहते हुए बड़े इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट पोर्टफोलियो इन्होंने हैंडल किए हैं हायर एजुकेशन लैवल से। He was one of the pioneers. जेड़े फाइनेंस मिनिस्टर की कमेटी बनी थी रिमेंबर ही वॉज वन ऑफ दैट। फिर बेस्ट फाइनेंस मिनिस्टर का अवार्ड भी मिले इन्होंने को, बेस्ट एम एल ए का अवार्ड भी मिले। फिर मुखी साहब जो ता फस्ट वीक ऑफ अक्टूबर जो अनाउंसमेंट हुई सी तुम गवर्नर बनाए गए मैं थोड़े शहर सोना के नेड़े ही बैठा सोने पुराने दोस्तों का गुप्ता जी रिवाड़ी के प्रोफेसर शारदा उन्होंने सिस्टर वगैरह सारे बैठे सतों सू अनाउंसमेंट पेपर तो पता लगा कि तो एम बी डेलीवेटेड असं उ थोड़ी पार्टी करती। सो आई एम हेयरिंग विद यू इज के ही इज रियली एन एग्जाम्पल फॉर ऑल यंग पॉलिटिशियंस लाइक अमरजीत दुग्गल शर्मा एक्सेट्रा। इफ ही कैन राइज फ्रॉम देयर टू देयर वाई कॉन्ट यू। सो विद दीज आई टेक माई सीट and once again I welcome all of you and I welcome Dr. Mukhi on the stage. Thank you. Thank you to Dilip ji. क्योंकि सभी से ऐसे मुस्कुरा कर बात करते हैं। मैं गुजारिश करूंगा हमारे बीच में अतुल मुखी जी हैं भारतीय जनता पार्टी वेस्ट दिल्ली का उपाध्यक्ष है वो आकर दो शब्द बोले।
यहाँ पर उपस्थित सभी जनकपुरी क्लब की कमेटी, माननीय गवर्नर साहब, मेरे माननीय पिताजी, माताजी और क्लब के सभी मेंबरान, मैं बहुत छोटा था जब पिताजी को और ओम प्रकाश जी को स्ट्रगल करते हुए इस क्लब को पेपर से एक्चुअल स्थिति तक बनाते हुए इन्हें देखा। उस समय सिर्फ सुना करते थे, कुछ बताने की स्थिति में तो नहीं थे, बहुत छोटे थे। एक सपना देखा था कि जनकपुरी की जनता के लिए आने वाले वर्षों में कैसी स्थिति, कैसा क्लब मिले। मैं डैडी से कहूंगा कि वो सपना वो खुद अपने मुख से ही और सबके साथ शेयर करेंगे और उसको पूरा होने में अभी चंद चीजें बाकी हैं, चंद चीजें और अचीव करनी है। हमें वो गाइडेंस देते रहे, हम आगे मिलकर उस सपने को साकार करेंगे, ऐसा हम सब उनसे प्रॉमिस करते हैं कि उनका देखा सपना कभी अधूरा नहीं रहेगा। इन शब्दों के साथ धन्यवाद। हम सबको याद कर रहे हैं। हमारे बीच में एक शख्स नहीं है, वो है चौधरी एसके, जिनकी मिसिस प्रेमरानी चौधरी हमारे बीच में है, पर आज भी हमें उनकी याद है, उन्हें मिस कर रहे हैं और मिस मुखी जी भी कर रहे होंगे। उनके साथी जो कंधे के साथ कंधा मिलाकर ओम प्रकाश जी ने ये क्लब को खड़ा किया, वो भी कर रहे होंगे, ऊपर से वो हमें आशीर्वाद भी दे रहे होंगे। मैं गुजारिश करूंगा ओम प्रकाश जी से, जो हमारे क्लब के जनरल सेक्रेटरी हैं, वो आगे आपके समक्ष दो शब्द। थैंक यू। सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, पूरी कमेटी बैठी हुई है, राधेश्याम त्यागी जी, श्री वसीम जी, विनय चौहान जी, किसका नाम किसका रह जाए तो फिर वो बाद में लड़ाई करेंगे सबका, नहीं तो मेरा तो इनका सुबह शाम का वास्ता है, तो मेरे साथ जितने ये खुले हुए हैं तो गिला जब आप तो मुताबिक पी पी सिंह जी बता रहे थे कि वो मुखी साहब के साथ कॉलेज में पढ़ाते रहे, वहाँ कॉलेज में वहाँ पढ़ाते रहे, यहाँ हमें पढ़ा रहे हैं। अभी भी वही प्रोफेसरों वाली डांट मारते हैं हमें, जब हम गलती करते हैं सुधार करते हैं, हमें काफ़ी सीखने को मिलता है इनसे। और बाकी मुखी साहब की बात रही तो ये क्लब कैसे आया, कई दफ़ा बताया, फिर थोड़ा सा अमरजीत सिंह जी बैठे हुए हैं जिनको नहीं मालूम, बताते हैं कि क्लब बनाने का जब सपना आया कि 1987 में, तो अलग एक नाम मैंने सोचा, वेस्टर्न क्लब। और वेस्ट एंड क्लब मुखी साहब से लगभग रोज मुलाकात होती थी, तो इन्होंने पूछा भी क्या हो रहा, क्या कर रहे हो, तो मैंने कहा जी क्लब क्या नाम था, सूर्य प्रकाश जी जो जी हमारे डॉक्टर साहब थे, जैन साहब बैठे थे, दो नंबर मेंबरशिप नंबर, चार नंबर मेंबरशिप नंबर, उत्तर के फाउंडर मेंबर मेरे अगल बगल में थे, लेकिन कोई जान पहचान नहीं थी, इनको कॉन्टेक्ट नहीं कर पाया। मुखी साहब की मेहरबानी से वो जो सूर्य प्रकाश जी से उनको ढूंढा, जनकपुरी के निवासी थे वो, लेकिन किसी वजह से जनकपुरी छोड़ के किसी और एरिया में चले गए, कहाँ चले गए किसी को भी नहीं मालूम था। थोड़ा सा कभी घूमने के बाद मुखी साहब ने गाइड किया कि उनकी वाइफ किसी प्राइवेट स्कूल में टीचर है, तो
उसका नाम बताया, तो फिर प्राइमरी स्कूलों में से उस टीचर को ढूंढना शुरू किया, A1, A2, A3, C1, C2 वगैरह जितने बना के सब में छाट मारा, नहीं मिला। फिर मुखी साहब को मिला, मैं भी मुखी साहब इस नाम की लेडी तो है ही नहीं। फिर इन्होंने बताया कि वो डैसी कॉलोनी में काम करती हैं, वहाँ ढूंढा, मुखी साहब का मैसेज दिया, फिर मेरे घर पहली मीटिंग रखी। तो उस वक्त घर पे जो जो भी इकट्ठे हुए थे, जैसे चौधरी साहब थे प्रेसिडेंट, उनको बनाया, जो बाकी लोग थे मिलने वाले मेरे साथ, या जो रोज़ आना जाना था, सारे, कोई प्रेसिडेंट बन गया, कोई वाइस प्रेसिडेंट बन गया, कोई जनरल सेक्रेटरी बन गया, उस तरीके से ये बॉडी निकल के आई और ये बॉडी चली। और जब नाम रखा तो जगह नहीं थी, फिर हमारे चौधरी साहब का एक फ्लैट था आउटर रिंग रोड विकासपुरी पे, तो उस आउटर रिंग रोड वाले जो विकासपुरी का फ्लैट था वहाँ काफ़ी देर चलता रहा, वहाँ खाना पीना ताश पाश, मना करते हैं वैसे मुखी साहब इशारा करेंगे क्या था मत कहो, लेकिन हम करते रहे वहाँ ताश पाश, खेलते रहे, अपनी बिस्की ले जाके वहाँ पीते वाले रहे जो पीने वाले थे। और वहाँ से जब काफ़ी तंग हुए तो जनकपुरी के काफ़ी मेंबर बन गए थे, तो उन्होंने बोला कि जनकपुरी का नाम है इस क्लब का, तो जनकपुरी में क्लब होना चाहिए। तो फिर जनकपुरी जगह ढूंढनी शुरू की, जगह को मिली नहीं, A3 ब्लॉक में थोड़ा सी जगह किराए पर मिली, लेकिन आपको मालूम है कि मेंबर पीने के बाद कैसा कैसा काम करते हैं, तो जो स्टाफ वाली रिपोर्टिंग थी वो परेशान हो गया, उन्होंने बोला इसको क्लब को यहाँ से हटाओ, तो हटाना पड़ा। तो फिर प्रेम नगर छोटी सब्जी मंडी में, वो हमारे चौधरी साहब की जगह थी, परमजीत सिंह बोध साहब बैठे थे, इनकी जगह थी, उस जगह को किराए पर लिया, नॉमिनल सा किराया, जो मार्केट वैल्यू से बहुत कम था, नॉमिनल किराए पर जगह लेके वहाँ क्लब शुरू किया। वहाँ भी शुरू में वही कार्ड रूम और अपनी विस्की ले जाओ। बाद में गुप्ती साहब जब फाइनेंस मिनिस्टर बन गए थे तो इन्हीं के अंडर था सारा एक्साइज डिपार्टमेंट वगैरह, तो बाहर सन सप्लाई किया, काफ़ी अड़चने आई। तो उसमें एक होता है स्कूल या कोई रेडियस प्लेस मंदिर गुरुद्वारा जो है उसके इतने किलोमीटर इतने मीटर दूर होना चाहिए, तो हमारे साथ जो प्रेमनगर का गुरुद्वारा था वो नज़दीक था, वो एरिया हम कवर नहीं करते थे, तो उस एरिया को कवर करने के लिए हमने बिल्डिंग में तोड़ाफोड़ी की, उसकी एंट्री एक साइड से निकाली। फिर वो कभी पॉलिटिशियन आ गए, ओंकार सिंह थापड़ और यू के मैं जल मारूंगा अगर यहाँ ये होगा, तो मुखी साहब थे तो कह कहा कि जैसा वो बार लाइसेंस हम मिला, तो वहाँ फिर इस क्लब ने स्पीड पकड़ी। फिर हमने मेंबर इनरोल करने में बड़ा अभियान चलाया, कह कह के मेंबर बनते थे, 2,500 पहले रखी थी, 2,500 भी देने को तैयार नहीं थे, जो हालात ही ऐसे थे, तो जिसने जितना पैसा दिया उतना लिया, बाकी थोड़ा किस्तों में देते रहे या नहीं लिए ऐसे, अब तो 3 लाख आदि। तो कुछ हमारे मार्केट के इंडस्ट्रियल लोग थे तो उन्होंने कुछ डोनेशन दी, तो जब अपने सीए से बात हुई तो उसने बोला डोनेशन तो आप ले नहीं सकते, तो जो डोनेशन वाला अमाउंट था जिन्होंने पहले मेंबरशिप से कम पैसा दिया था, वो डोनेशन वाला अमाउंट उसमें एडजस्ट करके उनके 2,500 मेंबरशिप करके उस तरीके से चलाया। फिर वो चलता रहा, पहले 2,500 से 10,000 किया, फिर कैसा बताएंगे कि कई रात थे 15,000, फिर 25,000, 50,000, उस तरह करते करते आज हम यहाँ पहुँचे। और जगह अलाट कराने की भी बड़ी समस्या थी, जगह जैसे आप लोगों को मालूम होगा कि स्पॉन्सरशिप लेनी पड़ती है, तो पहले HRD मिनिस्ट्री देती थी, सेंट्रल गवर्नमेंट दिया करते थे, जब हमारा नंबर आया, हम बड़े किस्मत वाले हैं, तो दिल्ली गवर्नमेंट का जो सोशल डिपार्टमेंट था तो उन्होंने देनी थी स्पॉन्सरशिप, तो स्पॉन्सरशिप ली, DDA में हमने जगह अप्लाई की, और DDA में कभी परसू किया, पहले तो जो स्पॉन्सरशिप था उसमें बड़े चक्कर लगाने पड़े, जो डिप्टी डायरेक्टर था उसने बड़ा बड़ा तंग किया, कार नहीं हुआ करती थी, कड़ाके की गर्मी होती थी, स्कूटर में जाना और पहले तो ढूंढना ही बड़ा मुश्किल है, आपको भी नहीं मालूम होगा, लेनन रोड तो सबको मालूम है, तो लेनन एक और लेन है कोई, उसमें ऑफिस था सोशल डिपार्टमेंट का, तो चक्कर लगवाते रहे, उसने काम नहीं किया, टालता रहा। आजकल फिर भाई साहब को बोला, तो फिर इन्होंने बोला कि हमारे मायापुरी के एक अर्जुन थे जनसेक्टी थे मायापुरी इंडस्ट्री एरिया के, तो उनकी साली सिस्टर ला वो डिप्टी डायरेक्टर वाला थी उसी डिपार्टमेंट में, तो भाई साहब ने उससे मिलाया, उस लेडी ने फिर काम किया, विजिट हुई, फिर हमारी स्पॉन्सरशिप जो हमको मिली DDA में अप्लाई किया हमने, और अप्लाई किया, फिर वहाँ अड़चन रही, KB ने चक्कर लगाते रहे, उन्होंने कुछ बताया नहीं, काफ़ी बाद 8-9-10 महीने बाद उन्होंने बताया कि हमारी जो स्पॉन्सरशिप है वो डिफेक्टिव है, तो उसने बोला कि जगह तो मिल जाएगी लेकिन इसमें आप बार और कार रूम वगैरह की एक्टिविटी नहीं चला पाएंगे, तो इसमें अमेंडमेंट कराओ, तो रिक्रिएशन वर्क सोशल एक्टिविटी के अलावा रिक्रिएशन की एक्टिविटीज़ वो भी इस क्लब में होंगी,
तो फिर चौधरी साहब साथ थे, चौधरी साहब ने उस वक्त साथ में वर्तमान सी एम थे, उनको टाइमिंग किया, उन्होंने सोशल डिपार्टमेंट के अकाउंट मिनिस्टर थे लंबे से, क्या नाम है भाई, हम तो यार नॉट बी वेल टू रिप्रोडक्टेड अरे, तो उससे मिले, फिर उसने 10-15 दिन बाद वो हमारी स्पॉन्सरशिप अमेंडमेंट हुई, उसमें रिक्रिएशन वर्ड एक सिर्फ ही वर्ड लगाना था, रिक्रिएशन वर्ड लिखा, उसको लेके डी डी ए ने हमको जगह अलाट किया, जब जगह अलाट की ये तीन प्लाट थे 1, 2, 3 उन्होंने बड़े चेक लगे हुए, तो हमें ये प्लाट 17 नंबर 1, 15 नंबर 1, 16 नंबर है, तो 17 नंबर अलाट किया मुखिया की, कभी हर जगह हर कदम पर इनका वो सहारा रहा, और जब जगह अलाट हो गई तो डी डी ए वालों को जो सीनियर थे वो घबरा गए कि ये अलाटमेंट तो गलत हुई, और हम भी प्रेशर डालना शुरू कर दिया कि ये जगह छोड़ो ये नहीं मिलेगी, तो हमने क्या कहते नहीं मिलेगी, हमने सारे मेम्बर को बोल दिया, तो काफ़ी प्रेशर रहा, तो उनका अल्टीमेटली हम स्ट्रिक्ट रहे, और वो जो ऑफिसर जिसको ये ऑब्जेक्शन था उसकी ट्रांसफर हो गई, और हमारी जगह रोडर हुई, फिर हम बाउंड्री वॉल करने लगे, पैसे भी नहीं थे, तो चौधरी साहब ने इसे चौधरी बैठे हुए हैं 10 लाख रुपए दिए उस टाइम में बाउंड्री वॉल करने के लिए, और लेकिन जब बाउंड्री वॉल करने लगे तो डीडीए वाले आ गए कि बाउंड्री वॉल नहीं कर सकते, वो कह रहे थे सारे सेंट्रल में किसी बिल्डिंग में बाउंड्री वॉल है तो किसी बिल्डिंग में बाउंड्री वॉल अभी भी नहीं है तो आप कैसे करोगे, तो लेकिन हमने कहा ये तो क्लब है, कुछ गेट बाहर होगी, कोई फर्नीचर पड़ा होगा, कोई गिलास पड़े होंगे, तो कैसे होगा, तो वो डांटते रहे, अपना जो उन्होंने स्टेप ले लिए वो लेते रहे, लेकिन हम बाउंड्री वॉल करते रहे, आज बाउंड्री वॉल ये कुछ बाउंड्री वॉल की, कुछ हमने लोहे की आयरन ग्रिल लगाई, तो हमने ये बोला कि हम पक्की नहीं कर लें, ये पीछा ग्रिल लगाएगी, तो पीछे अभी भी ग्रिल लगी हुई है, उस तरीके से जगह हुई, और अलाटमेंट तो कभी जगह ये जगह थी, लैंड यूज चेंज कराना वो उसमें भी पीछा पैसा रोल था, इसमें कल्चरल कॉम्प्लेक्स है ये, क्लब की एक्टिविटी हो ही नहीं सकती थी, कोई अर्जुन सिंह को गवर्नर थे उनका वहाँ बोर्ड आवाज होता लगा हुआ था, उन्होंने ओपनिंग की थी जगह की, कल्चरल कम्प्लेक्स को डी डी ए के रिकॉर्ड में डिक्लेयर किया हुआ था, फिर मुख्य तब इन्होंने क्या कहा कि इसको लैंड यूज चेंज किया, और ये जो जगह हमको मिली इस तरीके से चलते चलते, फिर जब जगह मिली तो हमारे पास पैसे नहीं थे, फिर सबने मदद की, आपका जैसे आशीर्वाद रहा तो वो हल भी होती रहेगी, तो मुख्य साहब का इस तरह कहा, तो जितना भी धन्यवाद करें आप सबका, हमका ये जो जगह दी, तो मुखी साहब से ज़्यादा किसी का भी रोल नहीं है, इन्हीं का रोल है, जितना भी धन्यवाद दें वो कम है, तो मेरी सबसे प्रार्थना है कि एक जोरदार क्लैपिंग करके अभी मैं मुखी साहब से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो आए और दो शब्द कहें। जनकपुरी क्लब के चेयरमैन डॉक्टर धवन साहब, अध्यक्ष वीपी सिंह कहूँ या पुराना नाम जो मैं जानता हूँ इनका वीपीएस ढींगड़ा, मैं इसी नाम से जानता था, और हमारे महामंत्री श्रीमान ओम प्रकाश थापर जी, कोषाध्यक्ष मलिक जी, अन्य सभी क्लब के पदाधिकारीगण, मैं नाम लूंगा तो सबका लंबा ही हो जाएगा, सभी हमारे कार्यकारिणी के माननीय सदस्यगण, असम की प्रथम महिला श्रीमती प्रेम मुखी जी, हमारी निगम पार्षद बहन वीना शर्मा जी, निगम परिषद बहन वीना सबरवाल जी, निगम परिषद बहन रेखा चौहान जी, निगम परिषद श्री अमरजीत सिंह जी, और इस क्लब के सभी प्रबुद्ध मेंबर्स बहनों भाइयों, मेरे लिए बहुत परम सौभाग्य का अवसर है कि आप सभी के साथ मुलाकात करने का आज ये मौका मिला। मित्रों, बहुत कुछ मेरे बारे में कहा गया,
हर एक औहदे की चर्चा की, हर लेवल पे जहाँ काम किया हमने, बहुत सीखने का मौका मिला, जिसका जीवन में जगह जगह उपयोग किया। किंतु एक अहम औहदा जिक्र जिक्र करना सभी भूल गए, शायद मैंने फाइनेंस मिनिस्टर के नाते से, प्लानिंग मिनिस्टर के नाते से या हायर एजुकेशन मिनिस्टर के नाते से जितना सीखा है, उससे कहीं ज्यादा, सबसे ज्यादा सीखने का जो मुझे मौका मिला है वो है 10 साल लगातार लीडर ऑफ द अपोजिशन का जो मुझे मौका मिला है, वो सबसे जीवन के अंदर ऐसा काल था जिसमें सख्त मेहनत भी करनी पड़ी। जब मैं वित्त मंत्री था तो जो मेरे विभाग थे, मुझे उसी के साथ ही अपने आप को अपडेट रखना पड़ता और बीसी ऑफिसर होते थे, आईएएस ऑफिसर साथ होते थे। जब लीडर ऑफ दी अपोजिशन बन गए तो ऑफिसर खत्म हो गए, केवल एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ मिलता और दायरा वर्किंग का इतना बढ़ गया कि हर डिपार्टमेंट की अपडेट नॉलेज रखना बहुत जरूरी हो गया। वो 10 साल इतने सख्त मेहनत के थे और सच जानिए मैं जनकपुरी की सेवा जो कर पाया हूं उस 10 साल में सबसे ज्यादा थी। और वो एक ऐसा काल था ऑफिसर्स के अंदर अपोजिशन का भय रहता और ऑफिसर के सामने यदि मुख्यमंत्री ने एक सिफारिश की है केस की और दूसरी मैंने की है, उनके सशोपंज की स्थिति की क्या करें। और अधिकांश केसेस में जो मैंने कहा है वो वहां पर प्रशासन में हुआ है, ये था पॉलिटिकल कोई फिक्र होता। पर मैं जो भय कह रहा हूं, भय किसी बात का, मैं कोई शब्द गलत बोलता हूं ऐसा नहीं था, मेरी शब्दावली ऐसी कभी नहीं रही है, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं किया जिंदगी में कभी। केवल यदि छाप थी उनके ऊपर वो ये थी, मुखी जी ने कभी किसी गलत काम के लिए सिफारिश नहीं की, और यदि उन्होंने सिफारिश कर दी, हमने काम नहीं किया तो हमारी छुट्टी है, ये देख सकती है। तो मैंने गलत काम नहीं कहा, ठीक काम करो, मैंने किस बात के लिए आप यहां पर। ब्यूरोक्रेसी पर पूरी तरह से पकड़ बनाने का मौका हमें मिला, जिसके कारण हम जनकपुरी की सेवा कर पाए। मंत्री के नाते से मैं 2-3 चीजें बताता हूं आपको जो मुख्य रूप से आज चर्चा का विषय, हर गवर्नमेंट में मैं जा रहा हूं उनकी टेबल पर चर्चा का विषय रहता है। वो था वित्त मंत्री के नाते से जो हमने 27% रेवेन्यू बढ़ाया, जो हिंदुस्तान के इतिहास के अंदर रिकॉर्ड है आज भी, ना इससे पहले कभी हुआ है ना उसके बाद कभी हुआ है। 27% की रेट से रेवेन्यू बढ़ाया, वो भी हर आइटम पर टैक्स एक्सॉर्बिटेंटली कम करके, 12 से 3, 2, 4, 16 से 2, 3, 4, 18 से 3, 4, 5, ये एक यूनिक एक्सपेरिमेंट था और कामयाब एक्सपेरिमेंट था, जो हर वित्त मंत्री को देश के अंदर सोचने के लिए जिसने मजबूर किया था। ठीक कहा गया, डॉक्टर मनमोहन सिंह जो हमारे वित्त मंत्री हुआ करते थे, आज जो जीएसटी लागू हुआ है उसका पहली स्टेज जो है वो वैट ही है। 7 मेंबर की कमेटी हिंदुस्तान से बनाई गई थी, मैं उसी के अंदर मेंबर था। वैट स्टडी करने के लिए हम देश विश्व के अलग अलग देशों के अंदर गए और लगभग 2 साल मेहनत करने के पश्चात सभी प्रकार के जो मॉड्यूल्स थे वैट के स्टडी करने के बाद, उन्हें हमारी
वस्तु स्थिति हमारे साथ देश की कैसी है, घरेलू स्थिति कैसी है, उसको ध्यान में रखते हुए नया मॉडल यहाँ डेवलप किया जो लागू किया ये आपके सामने। एक सबसे बड़ा काम जो मैं समझता हूं उस समय हमने किया, एक लॉटरी की मीनस हुआ करती थी दिल्ली के अंदर पूरे हिंदुस्तान के अंदर। अच्छे अच्छे बिजनेसमैन ने अपनी दुकानें किराए पर चढ़ा दी लॉटरी के लिए, एक पट्टा लगाने के लिए रात को 500 रुपए मिल जाते, लोगों के धंधे मिल गए थे, झाड़ू लगाओ 5-10 बोरियां एक एक मार्केट से कागज की भर करके ले जाओ। गरीब औरतें झुकी झोंपड़ी या इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर रहने वाले, समय ऐसा आ गया था अपने बच्चों को सीने से लगा करके आत्मदाह करने लगे। और एक दिन मैंने अचानक ये निर्णय लिया, अगले दिन हमने कहा लॉटरी डिपार्टमेंट का ताला नहीं खुलेगा, लॉटरी हमेशा के लिए दिल्ली में बंद कर दी। बहुत प्रेशर उठे कि यहां तो बंद कर दी, दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग उस समय आज वो यूनिवर्सिटी है, वो देश के विभाजन से पहले हुआ करता था, दिल्ली पॉलिटेक्निक नाम से। 47 से 97 के बीच 50 साल के अंदर हम एक कॉलेज ऐड कर पाए, नेताजी सुभाष इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जिसकी इनटेक कैपेसिटी लगभग 250-300 है। यानी 50 साल के अंदर हम दिल्ली के अंदर इंजीनियरिंग की 250 सीट बढ़ा पाए। जो कंसेप्ट मैं लाया उसके परिणाम आपके सामने हैं। आज हमारे पास 12,000 इंजीनियरिंग सीट हमने यहां पर खड़ी कर दी। वो एक ऐसी देन है दिल्ली, खास तौर से मिडिल क्लास के लोग जो कॉलेज के अंदर पढ़ते हैं जाकर के, उस समय कैपिटल शिफ्ट भी देनी पड़ती थी, बाहर जाके रहना पड़ता था, कितने बच्चे बिगड़ जाते थे। एक उस समय एक दारू का बहुत चलता था, बच्चे बिगड़ रहे थे। मैं समझता हूँ एक ऐसा कार्य है जो आज भी जो हमारा एक्ट मैंने बनाया था, जो हायर एजुकेशन के कमिश्नर होते हैं उनकी कॉन्फ्रेंस में चर्चा हुई कि ये एक्ट कौन से ऑफिसर ने ड्राफ्ट किया था, लाजवाब एक्ट बना। और जो दिल्ली के वहां पर कमिश्नर गए हुए थे उन्होंने कहा ये एक्ट प्रोफेसर जगदीश मुखी ने स्वयं बनाया था। आप समझ सकते हैं कितनी मेहनत इस यूनिवर्सिटी को बनाने के लिए। मुझे प्रसन्नता है एक नहीं एक इस प्रकार के अनेक कदम हमने उठाए, किंतु सबसे बड़ी सेवा जो मैंने कहा लीडर का पुलिसिंग करते हम कर पाए। आज जनप्रिय आपके सामने कौन सी ऐसी सुविधा जो वर्ल्ड क्लास एक कॉलोनी के अंदर होनी चाहिए, हमने कहा था आप लोगों से पूछते थे कोई ऐसी सुविधा बताओ जो आप चाहते हैं दिल होनी चाहिए, हमने दी। और जहां तक क्लब की बात है बहुत कुछ ओम प्रकाश जी ने बतलाया, मैं दो बातें सिर्फ उसमें ऐड करना चाहूंगा। क्लब के नाम से पिछले 40 साल से आज तक कोई अलॉटमेंट नहीं हुआ है, मिल ही नहीं सकता था। इसके लिए हमने पॉलिसी चेंज कराई और पॉलिसी चेंज करने में सबसे बड़ा जो योगदान था वो विजय कपूर जी जो उस समय लेफ्टिनेंट गवर्नर थे उनका सबसे बड़ा योगदान था। केंद्र सरकार से मिलकर जो हमने पॉलिसी चेंज कराई, पॉलिसी चेंज कराने के बाद केवल इस क्लब को जगह दिलाने के लिए और उसके पश्चात पॉलिसी बंद कर दी। ना इससे पहले किसी को मिला है ना उसके बाद किसी को मिला। हाँ जब हम ये काम यहां कर रहे थे उस समय शालीमार बाग में क्लब रजिस्टर कराया हुआ था, वो हमारे कुलीग थे एमएलए बीजेपी के एमएलए थे वहां से बंसल साहब, उन्होंने कहा मुखिया जी आप पॉलिसी बनाओ ये हमारा भी उधार कर दो, एक उनको भी साथ में दिलाई थी। ये दो क्लब के अलावा पिछले 60 साल के अंदर किसी क्लब को आज तक दिल्ली के अंदर जगह अलॉटमेंट नहीं हुई है। ये ठीक कहा गया कि सब कुछ करने के पश्चात जब ये ऑब्जेक्शन आ गया ये तो गलत लैंड अलॉट कर दी है,
ये तो कमर्शियल लैंड है, ये अलॉट नहीं की जा सकती। बहुत घबराए थे हमारे सभी साथी, तब मैंने उन्हें कहा निश्चिंत रहो, इसमें कुछ नहीं कर सकते हो, ये कमर्शियल लैंड नहीं है, मेरे पास उसके डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस हैं। क्योंकि मैं स्वयं यहाँ पर फंक्शन में उपस्थित था, श्रीमान माधवराव खुराना जी और कपूर साहब और मैं और एक हमारे और ईडी के अधिकारी यहाँ पर थे। तब मैं इनके साथ गया था, मैंने कहा कैसे कहते हैं आप कमर्शियल लैंड है, ये कमर्शियल लैंड नहीं है, ये कल्चरल लैंड है, इंस्टीट्यूशन के लिए है और आपने इंस्टीट्यूशन को दिया है। इस नाते से हम लैंड को रिटेन करने के अंदर कामयाब हुए, अन्यथा उन्होंने दूसरी लैंड ऑफर की थी जो डेस्क ऑफिस के पास यहाँ पर पड़ी हुई है, ठीक है, बीमन के पास। मित्रों किंतु ये तो जब किया है, इसमें कोई मैंने क्लब के लिए किया है, एस के चौधरी जी को करने के लिए किया है या ओम प्रकाश जी के लिए किया है, ऐसा कुछ नहीं। मैंने जो भी किया है वो सिर्फ अपने लिए किया है, जनकपुरी के लिए किया, आप सब के लिए, जनकपुरी के हर वासी के लिए किया। आज मुझे गर्व है इस बात का कि क्लब की टीम ने श्रीमान अस्की चौधरी से लेकर के आगे तक कुछ आगे बढ़ा रहे हैं और इतनी सुंदर बिल्डिंग यहां पर खड़ी की है। आज जनकपुरी क्लब का पूरे दिल्ली के अंदर बहुत अच्छे क्लब के अंदर गिनती होती है, बहुत से क्लब देश के अंदर उनके साथ आपका अटैचमेंट है, आपको देश के अलग अलग कोने के अंदर क्लब को फैसिलिटी मिलती है मेंबर को वहां पर जाने पर, ये हमारे इस क्षेत्र के वासी का सौभाग्य है और मैं तो अपना सौभाग्य समझता हूं कि मुझे सेवा करने का मौका आप लोगों ने दिया और सेवा हम कर ही रहे थे, ये भी उसी प्रकार सेवा की गई थी। मैं एक प्रार्थना कर रहा हूं, इसे कहना छोड़ दीजिएगा हमने क्या किया, ये तो सिर्फ हमने अपने लिए किया, जनकपुरी के लिए किया, आप सबके लिए किया, ये कोई हम इससे आगे बढ़े। क्लब के सभी सदस्यों को, सारे पदाधिकारियों को, विशेषकर हमारे अध्यक्ष महामंत्री उनकी टीम को हृदय से बधाई देता हूं। आपने मुझे कई बार फोन किया, श्रीमान ओम प्रकाश जी ने मुझे जब काफी अच्छे से सोचने आपका स्वागत करना है। मैंने कल एक कार्यक्रम में यहां आना था, कल एक कन्वोकेशन है जब मैं चीफ गेस्ट हूं। धन्यवाद। मैं एक बात आपको कहना चाहता हूं कि मैं जहां भी रहूंगा इस बात का मुझे हमेशा एहसास रहेगा कि मैं जो भी बन पाया हूं उसमें सबसे बड़ा महान योगदान जो है वो जनकपुरी का ही है, इसलिए मैं जनकपुरी और जब जनकपुरी कहता हूं क्लब का प्रीफिक्स जनकपुरी है, ऑटोमेटिकली जनकपुरी क्लब ही आता है। मित्रों मैं इतना कह सकता हूं, आई मिस ऑल ऑफ यू व्हेन आई एम अवे फ्रॉम यू, और मेरी कोशिश रहती है मैं वहां भी रहते हुए जो सेवा कर सकता हूं करता रहूं, और मैंने संपर्क बना के रखा हुआ, मेरे सारे मैसेजेस आप सब लोगों के पास इंस्टाग्राम के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से या एसएमएस के माध्यम से कुछ ना कुछ जानकारी आपको शेयर करते रहते हैं। और मजेदार बात यह है, गवर्नर कोई भी अपने हाथ से फोन नहीं उठा सकता, एडीसी होते हैं, हमारे एडीसी खड़े हैं। मैंने किसी गवर्नर से बात करनी है, किसी का नंबर नहीं है, मैंने एडीसी उनके एडीसी से बात करेगा, वो बात करेगा। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने मेरे से बात करनी है, फिर एडीसी से बात करेंगे, उनके एडीसी और मेरी बात हो। मैंने प्रेसिडेंट साहब से बात करनी है, मेरी एडीसी उनके एडीसी से बात करेंगे, मेरी बात हो जाएगी। किंतु मैंने देखा इस सब में मेरा जो संपर्क इस क्षेत्र के अंदर 10 लाख लोगों के साथ है,
मेरा अपना टेलीफोन जो मेरी जेब में है अभी वो 10 लाख लोगों के पास है, पिछले 25 साल से वही टेलीफोन है, वो मैंने पास रखता हूं। असम पूरा बहुत बड़ा राज्य है, नॉर्थ के किसी भी राज्य से बहुत बड़ा राज्य है, वहां किसी के पास ये नंबर नहीं है। ये जो मेरे पुराने संपर्क प्यार आपके साथ है, मोहब्बत आपके साथ है, इसलिए रखा हुआ है। स्वयं टेलीफोन अटेंड करता हूं, भटनागर जी बैठे हैं फोन करते हैं, इसलिए मुख्य मेरे कार्यकर्ता साधारण व्यक्ति फोन करते हैं। उदाहरण देना चाहूंगा आप आश्चर्यचकित रहेंगे, मैं नाम नहीं लेना चाहता, महिला हमारी बहन किसी का फोन आया, मुखी जी सॉरी मैं आपको परेशान कर रही हूँ रात को इतनी लेट आउट में, मुझे पता है आप आसाम है, किंतु क्या करें हम तो लावारिस हो गए, हमारी कोई बात नहीं, मैं 4 घंटे से लगी हूँ कोई सुन नहीं रहा है, आप वहां से भी हमारी मदद कर सकते हैं, ये मुझे करा दीजिए। मैंने करा करके रात को 2:30 बजे उनको फोन करके बताया, आशीर्वाद है। यानी ये मेरी ड्यूटी है नहीं है, मैं इसे अपनी ड्यूटी मानता हूं कि मेरा यहाँ प्यार इतना है पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर, किसी का भी फोन आता है, मैं नहीं भी जानता किसी को, बताया जनकपुरी कॉन्स्टिट्यूएंसी से है, मैं आभार व्यक्त करता हूं। आज आपने यहाँ पर तकलीफ करके मिलने का कष्ट किया और स्वागत किया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मुखी जी, करवाते रहेंगे ये हमें आशा है। मैं अब अंत समय है और अमित गुलाटी जी से कहूंगा थैंक्स करें आपका, मुखी जी का और सबका, उसके बाद क्या प्रोग्राम में अपना अमित गुलाटी जी। आदरणीय मुखी जी, मुखी मिसेस मुखी साहब, डीपी सिंह जी, ओम प्रकाश जी, मैं यहाँ पे आप सबका धन्यवाद करने खड़ा हूँ, लेकिन आपको आज एक बात मैं बताना चाहूँगा। आज से 6 साल पहले जो हमारा इलेक्शन हुआ उसमें हम मुखी जी के पास गए, जीतने के बाद जैसे हम आशीर्वाद दे, उन्होंने एक बात बोली कि बेटा कैश ट्रांजेक्शन यहाँ नहीं होनी चाहिए आपके क्लब में। और आज मैं मुखी जी आपकी हमारी पार्टी की सोच तो अब आई है, लेकिन आपने ये सोच हमें 6 साल पहले दे दी थी, एंड वी आर वेरी स्ट्रिक्टली फॉलोइंग इट, वी आर जस्ट इन द क्लब। हमारे यहाँ पे एक कोई एक पैसे का भी नकद का लेन देन नहीं है, और इसी वजह से हमारे पास सारे डिपार्टमेंट आते हैं, अच्छे तरीके से आते हैं, स्क्रूटनी करने आते हैं, और हम हर तरीके से क्लियर पारदर्शिता से साफ सुथरे हम उसमें से क्लियर उतरते हैं। आप सबका धन्यवाद, आप सबने अपना कीमती समय दिया, आदरणीय मुखी जी ने भी अपना समय दिया, इसके बाद हम विल स्टैंड फॉर नेशनल एंथम, उसके बाद पहले हमारे काउंसलर साहब आए जितने आए उनके साथ एक ग्रुप फोटोग्राफ, उसके बाद ऑफिस बेयरर, फिर एमसी मेंबर, उसके बाद वी विल हैव अ ग्रुप फोटोग्राफ ऑफ ऑल द पब्लिक। थैंक यू वंस अगेन, जय भारत, धन्यवाद। Thank you.
रिक्वेस्ट करूंगा हमारे आदरणीय काउंसलर्स। एक मिनट प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट है पूरा इसके बाद और जो अच्छे से फोटोग्राफ खिंचवाएगा उसके घर पे भी हम डिलीवर करवा लेंगे फोटो। प्लीज कीप ऑन मूविंग। मैंने भैया आपकी वो भी फोटो मेरे ख्याल से। हाँ चलिए जिन अब मैं आगे से साइड में जाओ, आगे से साइड में हो जाओ, जरा साइड में हो जाओ। एक मिनट जरा आप सामने से मंगाओ, आप देखना जरा मेरे पीछे जगह नहीं है, थोड़ा सा पीछे।